Hi Ankur, hi Varun, welcome on Cine Speaks. Hello Richa, how are you? एकदम good. आप लोग कैसे हो? बिल्कुल बहुत बढ़िया. लग रहा है of course. खिला निखरा चेहरा. हाँ. तो रिलीज हो चुका है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों को? बहुत बहुत बढ़िया आ रहा है. I'm getting a lot of messages from a lot of people who enjoyed watching it. People who watch season one and now season two to watch and binge on. So, लोग काफी खुश लग रहे हैं. And we were hoping for that, which is, I mean, हमेशा ही आपकी कोशिश तो यही रहती है कि जो आप बना रहे हो, अगर आप sequel बना रहे हो तो वो बेहतर आए और लोग सराहें उसे और पसंद करें. So, Ankur, this is your first time. कैसा experience रहा आपका? बहुत ही अच्छा रहा. जैसे कि वरुण का response काफी अच्छा रहा है. मुझे तो रिस्पॉन्स देखो सोशल मीडिया पे ही दिखता है. मतलब आजकल कोविड के वक्त हम ज्यादा बाहर भी नहीं जाते हैं, लोगों से मिलते भी नहीं है, तो पता नहीं चलता है. लेकिन जब आपको तुम्हारे फैंस या शो के फैंस कुछ सीन को रिकॉर्ड करके आपको टैग करते हैं तो तब तुम्हें पता चलता है कि यू नो कितना रेजोनेट कर रहा है कॉन्टेंट ऑडियंसेस के साथ. तो इट्स बीन अ गुड रिस्पॉन्स आई थिंक. खासकर जो सीन्स जो मैं देख रहा हूँ, जो क्लिप्स जो लोग रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं या जो वूट फॉर एग्जांपल पोस्ट कर रहे हैं, इट सीम्स लाइक इट्स यू नो वी हैव सीन्स दैट आर वेरी हार्ड हिटिंग. लाइक यू नो देयर नॉट जस्ट हंसी मजाक, वो भी है इस शो में, लेकिन हम एक्चुअली रियल मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं. एंड आई थिंक उस बात को लेके लोग काफी सहमत हैं, काफी खुश हैं. नाम बहुत डिफरेंट है, ब्रो चारा, तो आप लोगों के अंदर वो दिख रहा है, बिल्कुल ऑफ कोर्स विजिबल है. तो कैसे नाम पड़ा ये, क्योंकि जिन्होंने सीजन वन नहीं देखा है वो भी ये जानना चाहेंगे. आई थिंक ये काफी सिंपल नाम रखा है एंड इट स्टिक्स आल्सो बिकॉज़ इट्स सो सिंपल. ब्रो और चारा, चार भाई जैसे दोस्त हैं. I don't know ये निकला कैसे नाम. I'm not sure who gets credit for this. I'm sure people from Dice Media, the makers, somebody from there must have decided it. But I love the name. It has a ring to it, I think. Yeah, actually it's very catchy. Yeah. So Ankur, क्या चीज़ script में अच्छी लगी थी आपको? What did you like the most? और आपने suddenly इस season two के लिए हाँ बोला? I think मैं इससे पहले मैं काफी कुछ serious content करके आया था. मेरे रोल्स कैरेक्टर्स वगैरह भी काफी सीरियस थे, तो कहीं ना कहीं वो दिलचस्पी थी, वो इच्छा थी कि मैं ऐसे यू नो भाइयों के बीच में, जैसे कहानी है चार भाई हैं, चार दोस्त हैं, मतलब उनके बीच में जो मस्ती है, मस्ती वाला कुछ करना चाह रहा था मैं. तो ये स्क्रिप्ट आई मेरे हाथ में तो मैं काफी एक्साइट हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने कभी किया नहीं था पहले. जब मैंने पहला सीजन देखा उसमें भी वही मौजूद था, वो हंसी मजाक, वो खेलना एक दूसरे के साथ, और जिस तरह से चार चार दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं सीरियस इश्यूज के यू नो थ्रू, दैट ऑल अपील टू मी वेरी मच. तो आई वाज लाइक ये तो करना ही पड़ेगा फिर. तो ऐसा ब्रोचारा तो ऑफ कोर्स रियल लाइफ में हर किसी को देखने को मिलता है. आप दोनों की लाइफ में ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनके साथ इतनी अच्छी ट्यूनिंग है आप लोगों की? Funny you said it right now. मेरे को अभी दो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्तों के बीच में कॉल्स आ रहे हैं, सौरभ चौहान और राघव भौमिक. बट मैं मेरे काफी दोस्त रहे हैं बड़े होते हुए. मैं हर दो साल कहीं ना कहीं होस्टिंग पे होता था, मेरे डैड पॉज से हैं. तो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑल अराउंड द कंट्री इनफैक्ट. बट ये जो तीन मुश्तंडे मिले इस शो पे, आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम वेरी लकी टू हैव हैड को-स्टार्स लाइक देम. आई थिंक वी डोंट टॉक एज मच, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट वी शेयर अ बॉन्ड के अगर जरूरत पड़े तो ये लोग डेफिनेटली हैं आसपास. एंड इन अ सिटी लाइक बॉम्बे इट समटाइम्स गेट्स अ लिटिल लोनली एट टाइम्स, यू आर अवे फ्रॉम फैमिली एंड स्टफ. सो टू हैव फ्रेंड्स लाइक देम अराउंड इज ऑलवेज नाइस. Okay, Ankur, what about you? You know, मैं जब बड़ा हो रहा था US में तो मेरी मम्मी के जो परिवार है, मेरे पापा का जो परिवार है, मेरे कजन्स मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे. हमारे जैसे मेरे मामा जी का घर कुछ
चार पांच घर दूर था, मेरी मौसी जी उनके बच्चे रहते थे कुछ 20 मिनट दूर। तो ऐसे ही जो मेरे जो कजिन्स हैं उनके साथ जो गहरी दोस्ती बनी उन बचपन में, वो आज तक रही है। तो आई थिंक आपने पूछा ब्रोचारा, खासकर लड़कों के साथ जो गहरी दोस्ती होती है, आई थिंक मेरे मेरे खुद के ही भाइयों के साथ, इतने सारे भाई हैं, कुछ लगभग 9-10 तो होंगे जो बहुत ही करीब के हैं। हाँ, और हाँ मेरी, ओ माय गॉड, ओ मेरी शादी हो रही है ना, तो मेरी बैचलर पार्टी प्लान हो रही है अभी, तो बैचलर पार्टी में भी वो सब आ रहे हैं। तो हाँ, आई डोंट नो और क्या कहूँ मैं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा परिवार मिला है मुझे। तो कब कर रहे हैं शादी अंकुर? जून जून 15 को अभी डेट रिलीज हुई है हमारी, तो क्या 15 जून बात, को हो रही है। क्या बात है! फिर योर तो ये एंगेजमेंट पिक्चर्स वाज सो कूल मैन। ओह थैंक यू थैंक यू। यू नहीं नो एंगेजमेंट कैसे हुआ, ये पेंडेमिक के बीच में, पेंडेमिक बस अभी अभी शुरू हुआ था और सभी बहुत डरे हुए थे, और फ्लाइट लेना तो मतलब दूर की सभी बात। मतलब दूर की बात थी। तो हमने क्या किया, मैंने कहा मैं सैन डिएगो कैलिफोर्निया में रहता हूँ और मेरी मंगेतर जो है उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड वॉशिंगटन डीसी में रहती है, मतलब अमेरिका के दो अलग अलग ऑपोजिट साइड्स। तो हमने सोचा, मैंने अपनी मम्मी पापा को कहा था मैं प्रपोज करना चाहता हूँ और आप सबकी मदद चाहिए, आपको होना जरूरी है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा हम गाड़ी चला के चलते हैं। तो हमें 3.5-4 दिन लग गए वहां पर पहुंचते पहुंचते, और वहां जाके फिर हमने उन्हें सरप्राइज किया। इट वॉज वेरी फन, काफी रोड, तो क्योंकि फैमिली का रोड ट्रिप भी हो गया ना फिर साथ आप में। जो भी रोल्स करते हैं वो आप अपनी फियांसे को बताते हैं, आप अपनी वुडबी को बताते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं कुछ? तो वो भी कलाकार हैं, वो भी एक एक्ट्रेस हैं, इंडिया में काफी कुछ काम कर चुकी हैं, और अभी वो यूएस में भी अटलांटा में एक शो कर रही हैं फॉक्स के लिए, मेडिकल ड्रामा द रेजिडेंट। तो उनकी उनकी राय तो मैं जरूर लेता हूँ, और खासकर मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मतलब उनकी राय को। सो डेफिनेटली आई गेट हर एडवाइस ऑल द टाइम, सिर्फ रोल्स पे नहीं लेकिन सीन्स पे। कई बार क्या होता है, कोई सीन मैं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे अंदर वो महसूस होता है कि नहीं, कुछ तो रह रहा है, कुछ तो अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस में मैं उसको ढूंढता हूँ, मैं पूछता हूँ कि तेरी क्या राय है, तू क्या सोचती है। तो ज्यादा भाव तो देता हूँ कई बार, लेकिन ठीक है। वरुण, आपने कभी इनसे पूछा कि इनको, इनकी जो वुड बी, इनको कोई एतराज तो नहीं है ऐसे रोल्स करने में? कुछ मतलब कुछ लिमिटेड वाले रोल कर रहे हैं या फिर यू आर फ्री टू डू एनीथिंग? मैंने इनकी वुड बी से हाँ नहीं, मतलब इनसे पूछा आपने? आप लोगों का ब्रो चारा है तो ऑफकोर्स इस तरीके की तो बातें आप लोगों में होती होंगी ना 100%। नहीं, वी डिस्कस्ड अनिशा लॉट एंड शी इज एन अमेजिंग एक्टर, एंड आई एम, अभी तूने जो बोला इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज टू हैव अनदर पर्सपेक्टिव ऑन ऑन थिंग्स इज ऑलवेज अमेजिंग, एंड टू हैव एन एक्टर इन हाउस ऑल्सो, हिज सिस्टर इज अ ब्यूटीफुल एक्टर टू, सोनिया। So I'm sure he's very fortunate that way, I think, to have people of a similar bent of mind to give him advice if he's in need of them. तो That's ज्यादा about समय it. नहीं लूंगी, हाँ सॉरी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस मैं जानना चाहूंगी ये वाला जो ब्रोचारा सीजन 2 है, क्या कुछ देखने को और मिलने वाला है नया, डिफरेंट? कॉमेडी ज्यादा है क्योंकि अभी रिलीज हुआ है, लोगों ने अभी देखना शुरू करा है, तो क्या बताना चाहेंगे? तो ब्रोचारा 2 एक्चुअली डाइस का शो है, रूट पे अब लाइव है। मेरे को लग रहा है एक प्याज की तरह है ये। सीजन 1 अगर एक लेयर थी इन 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 लड़कों की जिंदगी के बारे में, अब हमने वो एक छिलका उतारा है, एंड वी हैव गॉन अ लिटिल डीपर। आई एम लविंग द रिएक्शन, ही लाइक्स द वे आई हैव टेकन इट दिस टाइम। So we've gone a little deeper, definitely in everybody's lives. We're dealing with very very serious matters, I think. और ये एक हैवी शो नहीं है, which is something जो मेरे को खटकता भी है कभी कभार कि क्यों फालतू में, अगर कोई संडे किसी का बर्बाद क्यों कर रहे हो इतनी सीरियस बातें करके। They want to have a good time, they want to have a good laugh. So we've touched upon some very serious matters, I think, और हंसी मजाक।
वो प्याज का अगर क्रक्स आपकी प्रॉब्लम है तो उसके आसपास हमने भाईचारा और प्यार व्यार सब मिला मिलू के हंसी मजाक से प्रेजेंट किया है। आई थिंक दैट दैट विल बी इंटरेस्टिंग एंड फन फॉर पीपल टू वॉच। ओके और सीजन 3 की कोई चांसेस? आई थिंक हमें डाइस मीडिया या वूट से पूछना पड़ेगा इसके बारे में। ओके ओके तो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस, व्हाट यू गाइस आर डूइंग इसके बाद? ओह आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म राइट नाउ शहजादा, जिसमें कार्तिक आर्यन, कृति सैनन, माई सेल्फ, परेश परेश जी, रौनित रॉय जी, मनीषा कुरैला। तो इट्स एन एक्शन कॉमेडी, तो उस पे अभी शूटिंग हो रही है। ओके एंड वरुण यू? I have two shows coming out with Dice only. One is PFA का season 3. ओके आयुष मेहरा एंड बरखा सिंह आर इन द लीड एंड आई गेट इंट्रोड्यूस्ड इन द थर्ड सीजन व्हिच इज समथिंग आई नेवर डन बिफोर। इट्स अ वेरी कॉकी कैरेक्टर, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू प्ले दैट। एक और शॉर्ट फिल्म, एक एंथोलॉजी ऑफ फिल्म्स है ब्रेव हार्ट्स करके, वो भी डाइस मीडिया इज गोना बी आउट विद इट सून। दैट वाज रिलेटेड टू द आर्मी, सो वेरी क्लोज टू होम एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग रिलेटेड टू द डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्सेस। और एक शॉर्ट फिल्म भी मैंने की है जो कि बहुत एक्साइटिंग है, काफी काफी नया सब्जेक्ट है। इट्स क्वाइट अ डार्क जोन टू बी एक्सप्लोरिंग, सो अ फ्यू थिंग्स कमिंग आउट। ओके तो गाइस थैंक यू सो मच अपने टाइम, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, एंड अंकुल विश यू ऑल द बेस्ट आपकी शादी के लिए भी और थैंक यू। शो के लिए भी, और हम सब वेट कर रहे हैं कि सुपर डुपर हिट और सीजन 3 भी आ जाए जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, प्लीज देखिए थैंक डाइस मीडिया का ब्रोचारा season 2 ऑन वूट। एंड यू नो हाउ मच इट कॉस्ट टू सी द शो, वरुण? डू यू नो हाउ क्वाइट अ एक्सपेंसिव लॉट, इट इज इट्स टू सी क्वाइट द अ शो? लॉट, इट इज क्वाइट अ लॉट। इट्स यू नो हाउ मच इट्स फ्री, इट्स फ्री। सो वाह वाह, इमेजिन। थैंक यू थैंक यू, टेक केयर, बाय थैंक यू रिचा, बाय थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स सो मच। बाय।